आप हमको जरा बताइए तो, हाउस को अधिकार है? हम चाहते हैं कि पूरे मामला को आप गंभीरता से अपने स्तर से देखवा ले। माननीय नहीं, आप सुन लीजिए, माननीय मंत्री जी आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। हुआ जगह है तो इसको अधिकार है? नहीं, निकालिए, आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है, लेकिन आपके उस जीरो टॉलरेंस का मामला, न्याय के साथ विकास का मामला, कानून का राज स्थापित करने का, न बचाते हैं न फंसाते हैं। मैं निश्चित रूप से आज भी पूछूंगा डिपार्टमेंट से, आज भी मैं पूछूंगा कि इतना तेजी से क्या कोई दिक्कत हुई है? नहीं, ये ना आसन को हतोत्साहित डिमोरलाइज करने की सिर्फ बात नहीं हो। इसमें बराबर बोलिएगा, बात नहीं सुनिएगा तब हम कभी कुछ बोलेंगे ही नहीं। ये तो दुर्भाग्य है कि मेरे क्षेत्र से जुड़ा। तारीख थी 14 मार्च 2022 की, याद आया आपको ये तेवर, ये बयान सदन के भीतर ही, जब सीएम नीतीश कुमार और स्पीकर आपस में भिड़ गए, पूरे देश ने देखा, याद तो होगा आपको। यही वो नीतीश कुमार हैं जो लगभग 17 साल बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जब भी कोई सहयोगी दल अपनी चलाने लगता है, नीतीश दूसरे का पाला पकड़ लेते हैं। खैर, राजनीति कहती भी यही है, जब जैसी हो जरूरत बदल लो नीति, वही कहलाती है राजनीति। वैसे तो सुगंध चारों ओर यूं ही नहीं फैल रही थी कि नीतीश कुमार के झोंके में कुछ पक रहा है। वैसे भी राजनीति में कभी भी संभव को असंभव और असंभव को संभव में बदला जा सकता है। नीतीश कुमार इसीलिए जाने जाते हैं, मौसम बरसात का है और बिहार वाले नीतीश कुमार को राजनीतिक मौसम का सफल वैज्ञानिक यूं ही नहीं माना जाता, वो है भी। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, अब आगे देखिएगा, समझ जाएंगे कि कहानी सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी तक सीमित नहीं है। नीतीश इस बार बड़ा गेम खेलने की फिराक में है, मगर पहले याद कीजिए महाराष्ट्र के सियासी संकट को। उद्धव ठाकरे कुछ सीख पाए या नहीं सीख पाए, मगर बिहार वाले नीतीश बाबू पहले ही समझ गए। तभी तो नीतीश कुमार अंदर की खबरों से भाग गए थे कि बिहार में शिंदे पनपने वाला है, इसलिए गेम खत्म करो। तभी तो देर नहीं लगाई, बिहार में जब से बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी थी, वैसे तो तब से ही सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं में काफी लंबे समय से खींचतान चल रही थी, जिसको लेकर नीतीश कुमार खुद को अपमानित महसूस कर रहे थे। नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ने के बाद बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी बिहार में जेडीयू को खत्म करना चाहती थी, मतलब समझ रहे हैं ना। नीतीश कुमार ने अपने बयान में साफ कर दिया कि बीजेपी ने उन्हें हमेशा अपमानित किया, इसलिए हमने अपना गठबंधन वापस ले लिया, मगर ये कहानी अधूरी है। चलिए पहले अंकगणित को समझिए और फिर पूरी कहानी आपको समझाएंगे। अंकगणित का खेल तो वैसे नीतीश कुमार ने पहले ही सुलझा लिया था, हिसाब किताब के पक्के हैं, क्योंकि वो जानते थे कि आरजेडी के पास करीब 79 विधायक हैं, जेडीयू के पास यानी उनके पास 45, कांग्रेस के 19, लेफ्ट के 16 और एक निर्दलीय, यानी कुल आंकड़ा उन्हें मालूम था 160 का है, दिक्कत नहीं होने वाली। मगर सवाल तो ये कि नीतीश कुमार ने ऐसा किया क्यों, अब वो भी समझ लीजिए। मामला दरअसल उस कहावत से जुड़ा है जो आपने भी सुनी होगी, जिस खेत की मेड़ पर खड़े बड़े पेड़ की छाया जहाँ तक भी जाती है, उस हिस्से में कोई भी फसल पनप नहीं पाती है। नहीं समझे तो समझिए, जैसे कि बीजेपी की राजनीति के खेत की मेड़ पर खड़ा वो बड़ा पेड़ है जिसके संपर्क या साथ में जो भी कोई छोटा दल आया वो पनप नहीं पाया। अकाली दल या फिर शिवसेना, ना जाने ऐसे कितने दल हैं जो या तो बिखर गए, विफल हो गए या बीजेपी में ही मिल गए। हालांकि बिहार में चुनाव के तो अभी 3 साल बचे हैं, जातीय गणित में जेडीयू और आरजेडी का साथ फिट बैठता है, यानी अब सवाल ये भी कि कहीं नीतीश की निगाहें दिल्ली की गद्दी पर तो नहीं है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव होने वाला है और देश में महंगाई बेरोजगारी जैसा मुद्दा गूंज रहा है। सवाल ये नहीं बल्कि इस वक्त तलाश है तो विपक्ष के मजबूत चेहरे की। तो क्या इसलिए नीतीश कुमार ने मौके पर चौका मार दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।